Hey guys, welcome to my channel Samnaj. और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली बैग का हॉल वीडियो। तो सारे बैग जो है मुझे काफी अफोर्डेबल रिसीव हुए हैं और सारे बैग जो है वो कैपेसी ब्रांड के हैं। और इस बारी मैंने परचेस किया है ये सारे बैग एक दूसरे ऐप से, जो कि मुझे लग रहा है न्यू ऐप है और काफी अफोर्डेबल मुझे रिसीव हुआ। तो चलो मैं इस ऐप के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने डिटेल में बताया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ इस ऐप के बारे में एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँ। ओके, तो चलो बात करते हैं इस ऐप के बारे में। तो इस ऐप का नाम है शॉपसी ऐप। ओके, तो ये एक रिसेलिंग ऐप है और ये जो ऐप है वो फ्लिपकार्ट का ही है। मतलब फ्लिपकार्ट के ही सारे प्रोडक्ट आपको शॉपसी ऐप में मिल जाते हैं। बस डिफरेंस ये है कि आप शॉपसी ऐप से रिसेलिंग कर सकते हो, वहाँ के प्रोडक्ट को रिसेल कर सकते हो और काफी फायदा उठा सकते हो। मतलब एक तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो ये सेम मीशो की तरह ही है, मतलब डिटो मीशो ही है समझ लो, नाम डिफरेंस है और ये फ्लिपकार्ट का ऐप है। ओके, तो बता दिया मैंने जो भी थोड़ा सा बताना था, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी बकबक, लेट्स गो टू द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मेरा जो तीनों बैग में मेरा जो फेवरेट है सबसे और जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इन तीनों बैगों में से, तो वो है ये येलो कलर का बैग। तो लुक वाइज कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल एमआरपी है वो 2699 है, बट मुझे ये सिर्फ 1050 रुपीज में रिसीव हुए। तो फ्रंट पे कुछ इस तरीके का डिजाइन मिल रहा है। यार ये वाला डिजाइन जो है ना काफी रिच वाला लुक आ रहा है। और फ्रंट में आपको ये चेन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी अच्छा खासा, देखो इतना बड़ा मेरा हाथ चला गया अंदर, इस टाइप का इतना स्पेस है। तो आपको जो भी रखना है रख सकते हो, छोटा मोटा सामान, लिप बाम वगैरह, लिपस्टिक वगैरह भी जा सकता है। फिर बैग से आपको मिल रहा है एक और चेन, जो कि सारे बैग में इस वाले साइज के बैग में होते हैं। तो आप देखो इसमें भी मेरे पूरे हाथ चले गए, तो अच्छा खासा स्पेस है इस वाले में भी, पीछे वाले चेन में भी अच्छा खासा स्पेस है। तो फ्रंट में आपको एक चेन मिल रहा है, पीछे से एक चेन मिल रहा है और आपको एक जो मेन है वो मेन चेन आपको ये वाला इस साइड से मिल रहा है। और इसके अंदर में भी आपको बहुत एक थोड़ा ये बड़ा टाइप से आपको मिल रहा है। यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको रखना है। और बैक से आपको इस तरीके का ये वाला छोटा वाला मिल रहा है, इसमें भी आप अपने कार्ड वगैरह हो गए, पैसे वगैरह हो गए, तो वो सब रख सकते हो। और ऐसे यहाँ पे आपको इस टाइप के टू कपार ये कंपार्ट मिल रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी ऐसे छोटे मोटे सामान रख सकते हो। और ये वाला बैग काफी स्पेसियस, आप आराम से 3-4 बुक्स वगैरह, वाटर बोतल हो गया, ये सब डाल सकते हो। तो काफी स्पेशियस है और लुक वाइज भी बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही सुपर्ब है। और सबसे बड़ी बात, काफी अफोर्डेबल मुझे मिली है और मुझे बहुत ही पसंद है। मेरा जो दूसरा बैग है, तो इसे मैंने एक मतलब वो थोड़ा लाइट कलर था ना, अब वो जो लाइट कलर होते हैं ना आप हमेशा नहीं कर सकते हो, गंदे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक बैग थोड़ा सा डार्क में मंगाया है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। और इसकी ओरिजिनल एमआरपी भी है 2699, बट ये वाली बैग मुझे सिर्फ 459 रुपीज में मिला है। गाइस आप बिलीव करोगे, 2699 की बैग मुझे सिर्फ 459 रुपीज में रिसीव हुई है। ओके, तो लुक वाइज कुछ इस तरीके का है ये वाला बैग, ठीक है। और बैक में, इसमें फ्रंट में कोई चेन नहीं है, बैक से आपको चेन मिल जाता है। चलो मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ। हाँ, इसका जो पीछे का जो है ये थोड़ा छोटा है कंपेयर टू वो येलो वाला। ओके, तो बीच से आपको एक चेन मिलता है और इसमें भी सेम उसी की तरह जैसे उसमें है ना, इसी की तरह इसमें भी है। तो एक चेन है, उसके अंदर से आपको सेम उसकी तरह ही, कैसे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये बीच वाला जो मेन चेन है वो ओपन करने के बाद से आपको मिडिल में ये वाला मिल जाता है। और ये भी इसमें भी काफी ज्यादा स्पेशियस है, इसमें आप छोटे मोटे वॉलेट वगैरह आप अपना रख सकते हो। ओके, और उसके बाद में आप उस बैग में जैसे दो कंपार्ट थे ना ऐसे, जिसमें चेन वेन कुछ नहीं है, ऐसी ओपन वाले जो कंपार्ट होते हैं वो है, बट ये थोड़ा छोटा है। इसका जो दो कंपार्ट है ना वो जो दिख रहा है आपको वो थोड़ा छोटा है। और पीछे से आपको यहाँ भी सेम उसी की तरह है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम भी चेन है। लुक वाइज ना वो वाले बैग से ज्यादा बड़ा ये वाला लग रहा है,
बट स्पेस ज्यादा उसमें है, इसमें थोड़ा मुझे स्पेस कम लग रहा है, ठीक है ना। बट काफी मतलब प्राइस के हिसाब से 459 के हिसाब से, वो भी कैपेसिटी का बैग, तो काफी सुपर्ब है यार, काफी अमेजिंग लग रहा है। ऐसे कुर्ते वगैरह के साथ कॉलेज वॉलेज जाने के टाइम पे ऐसे करके टांग लो, कितना रिच वाला लुक आएगा, कितना ऑसम लगेगा, है ना। तो ये वाला बैग भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट कंपेयर टू ये वाला बैग, मुझे ये वाला थोड़ा सा क्वालिटी वाइज थोड़ा सा अजीब लगा। मतलब ये देखो थोड़ा इस टाइप का है, वो थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग टाइप से मुझे लग रहा है, और ये वाला देखो काफी लूज लूज वाला टाइप से कुछ इस तरीके का है। तो ठीक है, बट मुझे अच्छा है, बट एक होता ना कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा बैग है जिसको ईकार्ट वालों ने थोड़ा ज्यादा ही प्यार दे करके भेजा है, तो चलो मैं वो वाले दिखाती हूँ। तो ये वाला जो कलर है वो लेमन कलर का है, ठीक है, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो लुक वाइज कुछ इस तरीके का है ये वाला बैग। आपको लग रहा होगा ना वो वाला और ये वाला का कलर सेम है, बट कलर डिफरेंट है। ये थोड़ा उसके कंपेयर में थोड़ा सा लाइट है, ये लेमन कलर का है, ठीक है ना। ओ माय गॉड गाइस, तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है आप देख सकते हो 449 रुपीज, मतलब 5000 की ये बैग है, ओके। और मुझे ये वाला 510 रुपीज में ये वाली बैग रिसीव हुई है। ओ माय गॉड रियली। तो देखो लुक वाइज कुछ इस तरीके का है ये वाला बैग, ठीक है, फ्रंट से और बैक में। फ्रंट में इसमें चेन नहीं है, बस एक वाले फर्स्ट वाले में था। तो बैक से आपको एक चेन मिल जाता है, और इसमें थोड़ा ब्राउन वाले के कंपेयर में इसमें थोड़ा स्पेशियस है ये। तो मुझे एक चीज इस वाले बैग में अच्छी नहीं लगी ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ जो व्हाइट कलर का ये जो चेन का जो कलर है ना, जो ये व्हाइट दे दिया है ना उन्होंने, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा। बाकी इसमें देखो ये बैक कलर जो है उससे मैच करता हुआ दिया है, और ये येलो वाले में भी देखो मैच करता हुआ दिया है, बट ये वाला येलो के साथ मतलब लेमन कलर के साथ उन्होंने ये वाला जो चेन का कलर जो ना व्हाइट दे दिया, तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अगर सेम कलर कराता ना तो ज्यादा प्यारा लगता। तो ये रहा इसका मेन चेन, तो आपको कुछ दिख एक मिनट में हटा देती हूँ अंदर, जो भी उन्होंने देख के भेजा पेपर वेपर कुछ डाल के भेज देते तो कितना अच्छा रहता ना, सॉरी। तो कुछ अंदर से कुछ इस तरीके का है, सेम इसमें भी आपको वो मिडिल में वो वाला मिल जाता है, और फ्रंट से आपको दो ये वाली दो कंपार्ट मिल जाते हैं विदाउट चेन वाला, ठीक है, और बैक से यहाँ भी आपको चेन रिसीव हो रहा है, ओके। 5000 का बैग 500 रुपए में, 5000 का बैग 500 रुपए में, मतलब 4500 रुपए का डिस्काउंट, सच में क्या पता नहीं यार, छोड़ो मुझे क्या लेना देना है, मुझे मिल गया ना, बस मिल गया। सो गाइस ये था मेरा शॉपसी ऐप से पहला परचेस। मैं सोच रही हूँ कि कुछ और भी वहां से परचेस करूँ और आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि मुझे मैंने देखा था उस दिन, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्लिपकार्ट के कंपेयर में शॉपसी में ना 100-200 रुपए 300 रुपए ना अफोर्डेबल मिल रहे हैं, सेम प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े से इसमें डाउन है कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट। तो मैं सोच रही हूँ कुछ टॉप्स वगैरह और अभी समर के कुर्ते वगैरह आप लोगों से शेयर करूँ, तो जल्दी से मैं ऑर्डर करूंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, फ्री सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो गाइस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज एंड टेक केयर।